बुजुर्ग के। और यहाँ पे सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में जो है लगे हैं महिला एवं पुरुष, स्थानीय एवं बाहरी अदर जिला से आए हुए हैं यहाँ पे देवताओं को दर्शन करने के लिए। क्या बात है ओ भैया, नीचे बैठ। किसी को अंदर जा रहे हैं ऐसे बिना लाइन के, घुसे जा रहे हैं, क्या फील है सारे लाइन वो बोल रहे हैं। अब तो मैंने जबरदस्त बोल रहा जी।
बहुत सब लगता है सर ऐसा कि आगे नए जो जनरेशन है वो हमारे जो प्रभु बोले ना आज इन बड़े श्रद्धा रखे ये प्रभु जी है हम 10-15 साल से इनकी जो भी है इसमें जुड़े हुए हैं और जो भी नए युवा और जो भी सब है सर ऐसा है कि श्रद्धा से इनकी मान्यता करें। ठीक, मेरा नाम मोहन बाली है, मैं कुल्लू गवर्नमेंट कॉलेज के पास रहता हूं। मैं हर साल अपनी वाइफ के साथ इस मंदिर में लगातार आ रहा हूं और जिस हिसाब से यहां पे भीड़ है बहुत मज़ा आता है देख के। मैं युवाओं से भी यही अनुरोध करना चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में जाएं और अध्यात्म से जुड़ें और भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, पूरे संसार पर इसकी कृपा है और हमेशा बनी रहेगी। थैंक यू। श्री राम शर्मा, पुजारी शिव मंदिर हाट, विश्वेश्वर महादेव मंदिर हाट। आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि का प्रोग्राम है तो लोग यहाँ पे दूर दराज से आए हुए हैं मंदिर के दर्शन के लिए। सुबह से लेकर कहीं कतार लगी हुई है, श्रद्धाओं की कतार लगी हुई है और विश्वेश्वर महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे और ऐसा ही कार्यक्रम इसके दरबार में चलता रहे। सोचता हूँ कि भगवान के दरबार में हाजिरी भरे और इससे ऊपर कोई कुछ भी नहीं है। इसके दरबार में आए और इसका आशीर्वाद लेकर करके अब भविष्य का जो है अपना भविष्य सवारे ऐसे ही सुबह से लगे हुए हैं और ठीक अपने सेवाएं दे रहे हैं। लोगों को बिल्कुल इसमें लगा रहे हैं, डिसिप्लिन में लगा रहे हैं, इधर उधर लगा रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और काम ठीक चला हुआ, स्मूथली चला हुआ है। लोग श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं भगत जन और सभी बिल्कुल शांति का स्वरूप ये दे रहे हैं जी। सबसे पहले पूरे प्रदेश और देशवासियों को शिवरात्रि महाशिवरात्रि की मैं शुभकामनाएं दूंगा। आज आप जानते हैं कि ये सबसे पवित्र जो भगवान शिव और पार्वती जी का जो संबंध है सबसे पवित्र माना जाता है और आप भक्तों का जमावड़ा देख रहे हैं किस प्रकार से श्रद्धालु सारे यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और शुभ संदेश देता हूँ और आशा करता हूँ ये पूरा साल सबके लिए सुखद रहे। जितने भी संबंध हैं अटूट रहें, उसमें और मिठास हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं और इस प्रदेश के लिए भी मैं ऐसी कल्पना करता हूं, ऐसी उम्मीद रखता हूं कि साल सुखद रहे सबके लिए।
पहले तो मैं इस धरती माता को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं प्राचीन काल का मंदिर है ये, इसमें श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। इसमें जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से मांगते हैं वो सबको पूरा होता है इसमें, इस मंदिर में। ये श्री पांच पांडवों ने बनाया था और इस विशेष इस मंदिर का बहुत बड़ा रहस्य है, इसके बारे में इतना ही जानती हूँ। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। आप लोग।